Hello everyone, my name is Abhinay and I support YouTube. Hello everyone, myself Yogam Vijay, I support YouTube. Hi everyone, Ravi this side, I support YouTube. I'm Shahbaz and I'm support YouTube. I am Rahul Sharma and I support YouTube. My name is Ritika and I support YouTube. Ankush and I support YouTube. Banjara Malik and I support YouTube. My name is Mohit and I support YouTube. Atul this side and I support YouTube. My name is Sunit. I support YouTube. This is Mitesh Kumar and I support YouTube. My name is Bhanu and I support YouTube. This is Nitin Periyar. I support YouTube. Ki I support YouTube and I also support the real one. Dikkat kar denge bhai, dikkat. To intezar ki ghadi khatam hui jiske aapne comment bhar 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 ke mare the. TikTok versus YouTube. तो जंग जो है वो ये है कि TikTok बड़ा है या YouTube, content बड़ा है या content, लड़ाई दोनों की चल रही है उसमें बहुत खतरनाक तरीके से, और जीत जो हो वो सच्चाई की होगी, इसके हम कसम खाते हैं। ये डायलॉग TikTok। तो आज मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, क्या दे सकते हो आप मुझे? मैं चाहता हूं आज बोलने की आजादी, मेरे को रोका ना जाए, मुझे टोका ना जाए, कमेंट्स में ये ना बोला जाए भाई गाली क्यों दी, जो भी मेरे अंदर भरा हुआ है मैं निकालना चाहता हूं, क्योंकि यार मैं निकालना बनता है भाई। सब बना रहे हैं यार टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, मैं भी बनाऊंगा भाई, आई एम यूट्यूबर यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो आइए आज आपको मिलाते हैं ऐसे दो बड़े नामों से जिनको बच्चा बूढ़ा हर कोई जानता है। जी हाँ, सही सुना आपने, बच्चा बूढ़ा, इतने बड़े दो नाम जो रातों को गूगल की शान बन जाते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं आज इन्हीं दो नामों के बारे में आपको बताऊंगा और इनसे आपको वो हो सकती है, वो हाँ नफरत, नफरत हो सकती है। तो आइए देखते हैं इन्हीं दो बड़े नामों को मिट्टी में मिलते हुए, तंबू लाए क्या, टट्टी में मिलते हुए। गाइस आई एम सन्नी लियोनी, मैं कहना चाहता हूं। हेलो गाइस आई एम मिया खलीफा। अबे गले में सिक्के फंसे हुए, उसको तो निकाल ले, ऐसी आवाज से सन्नी लियोनी के पैर कांप जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मेरे को शॉकिंग झटका लगा ना, जब मैं इनके अकाउंट पेज पर पहुंचा, 8 लाख प्लस फॉलोवर है इनके और मिलियंस में लाइक, क्या कंटेंट, कंटेंट पसंद है तुम्हें? हम लोग केला खा रहे हैं। खाओगे? ये छील के खा रहा, मैं बिगड़ छीले खाता हूँ, बड़े मजे आ रहे केला खाने में। खाओगे? लो खा लो, जल्दी खाना, अभी एक और है, अभी एक और है। तो भाई सो कॉल्ड जो इनके फैन बनते हैं ना, वो भी इनकी तरह केला खा लो भाई। तो सेंसेशन समझते हैं अपने आपको ये टिकटॉक के। कई तो जो इनके फैन तो लटके झटके देख के पागल हो गए ना, है ना। अच्छे से अच्छा इंस्टाग्रामर, अच्छे अच्छे सा यूट्यूबर क्या अपनी डेली लाइफ शेयर करता होगा, इनसे बेटर नहीं कर सकते आप। देखो मैं एक साथ दो काम करता हूं, तीसरा भी कर लिया अगर, इतनी वीडियोस देखी तेरी, ये जो टी शर्ट पे इतने दाग धब्बे लगे हुए, टी शर्ट चेंज कर ले, धोले इसको। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, इतने कमेंट्स भी पढ़ते हैं और इनको कमेंट्स में पता है कि इनको लोग क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। यार आप लोगों ने मुझे कुत्ता बनाया, तो कुछ दिन में बकरी बना देना, भेड़ बना देना, भैंस बना देना, गाय बना देना। पब्लिक के ऊपर मत छोड़ भाई, भाई बोलूं तुझे, बहन बोलूं, ये घोड़ी भी बना देंगे। इनके जो फैन है उनको बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप इसके बहुत बड़े फैन हो, इधर आना। पता है मेरी मम्मी मना कर रही है कि वीडियो मत बना, क्योंकि पड़ोसी है ना, बहुत देख देख के जलते हैं मुझसे। छाती पे पप्पी ले लो इसकी। मेरी मम्मी मना कर रही है कि वीडियो मत बना, क्योंकि पड़ोसी है ना। अब आ जाते हैं थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे। हमेशा कंटेंट जो होता है वो फनी नहीं होता, इसलिए
ये मैं डालना नहीं चाह रहा था, इस मैं चाह रहा था ये पूरी वीडियो आपको एंजॉय कराए, मजे कराए, लेकिन मैंने ये चीज देखी तो मेरे को, तो मैं बोले भी ना, अपने आपको रोक नहीं सका, क्योंकि मेरे को बोलना है जो मैं गलत देखता हूं तो मैं बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि उसको निगलेक्ट करके मैं आगे निकल जाऊं। एक ये लड़का है, एमडी एमडी करके कुछ नाम है इसका, ये क्या करता है इसका, आप वीडियो देखो। मोहब्बत ने मारा लो कह दिया हमने ओ यारा, दीवाना कहो यार। बेसिकली ये क्या करता है, ये कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करता है, पीछे जो भी लड़कियां आ रही होती है उनको एक तरह से, मैं तो उनको हैरेस करना कहूंगा कि उनको हैरेस करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, उनको अपने कैमरे में लेता है, और शॉकिंग जो बात है वो ये है कि इसके भी 1,76,000 फॉलोवर्स हैं इसके, और 5 मिलियन इसकी वीडियो पे लाइक्स हैं इन वीडियोस पे। आपको शायद एंटरटेनिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आपकी बहन या फिर आपकी कोई फ्रेंड यहां पर होती तो शायद आपको एंटरटेनिंग ना लगता, ये बहुत इरिटेटिंग लगता, बहुत गुस्सा आता आपको देखकर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है यार, और देखो इसकी वीडियोस। हर वीडियो में इसको यही करना है। कई वीडियोस मैं इतना ज्यादा मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, वरना तो कई वीडियोस ऐसी भी हैं, आप जाओगे तो देखोगे कि लड़कियां इरिटेट हो रही है, लड़कियां इरिटेट हो रही है, बोल रही है लड़कियां कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा तू। तो अब बात करते हैं भारत के एक और बहुत बड़े फेमस सेलिब्रिटी की, मैं तो सेलिब्रिटी ही कहूंगा भाई इसको, क्योंकि जब मैंने इसके फॉलोवर्स देखे तो मेरे पैर के नीचे से थर 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 जमीन निकल गई। 2.1 मिलियन फॉलोवर, 70 मिलियन लाइक, भाई वीडियो बनाना छोड़ रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे आओ। और इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दिखाता हूं क्या। प्लीज मुझे कोई अपनी गरम फ्रेंड दे दो, गरम फ्रेंड के साथ वीडियो बनाने से वीडियो वायरल होता है, मेरे पास गरम फ्रेंड नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। गर्लफ्रेंड चाहिए थे चमन प्राची शक्ल के को, अरे साले दंत मंजन। रात को जब हंसता होगा तो दांत ही दांत चमकते होंगे इसके, लेकिन गर्लफ्रेंड सबको चाहिए इस कोरोना दौर में। बंदे पागल हो रहे हैं, बंदे अपने बाल नोच रहे हैं, बंदे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल चुका है इसकी लाइफ की। हेलो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के चक्कर में मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि मैं बॉयफ्रेंड किसका हूँ। क्या चाह रहा है इंसान हमसे, क्या चाहता है ये पता। मुझे दिक्कत नहीं है टिकटॉक से, टिकटॉक से दिक्कत ये है कि टिकटॉक टिकटॉक कर देता है, मतलब टिकटॉक टिकटॉक ही कर देता है, मतलब टिकटॉक कुछ भी चला देता है यार, मतलब आप पादोगे तो आप वायरल, आप नाचोगे तो आप वायरल, आप बहुत गंदा गंदा आ रहा दिमाग में। कुछ और मत करवाने लग जाना टिकटॉक पे फेमस होने के लिए। बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, बंदा इतना ज्यादा दुखी है, डिप्रेशन में डूबा हुआ है, आसमान फट गया इसके लिए, धरती एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, नहीं मुझे ऐसा लगा इसको देखकर। तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे। इस लॉकडाउन के बाद जब तू अपनी गोरी से मिलेगा ना तो उसको भी एक खैनी उसके मुंह में दे दियो आधी। हद तो भाई तब हो गई जब इसको ये सच्चाई पता लगी कि कोई लड़की नहीं पटने वाली इससे, तो ये खुद ही और जब ये बनी ही गई है शर्वन कुमार से शर्वन कुमारी शर्वीना कुमारी, तो इसका एक ज्ञान सुन लो। भाई अगर मैंने थोड़ी देर और इनकी वीडियो देखी ना तो मुझे
मुझे भी इनके साइड इफेक्ट होने लग जाएंगे। और अब बात करते हैं जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, YouTube वर्सेस टिकटॉक का। आमिर चूतिया यानी कि आमिर सिद्दीकी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग उसकी लीक हुई है, सुनो आप। ये बड़ा है, मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले लेना। सही है सही है, ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मर्दी चूत तेरी, टक्टों के सौदागर। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अब मैं खटाई से मुंह के, डिस होता है डिस्क ट्रैक नहीं होता। साले जिस छपरी में तुम पले बड़े हो उससे बाहर निकलो और दुनिया देखो कितनी बड़ी है। 6 साल उसने तेरे से ज्यादा मेहनत करी है, 1 साल में क्या कर लिया तूने, 1 साल में कौन से झंडे गाड़े तूने 1 साल में। मैं अपना कंपैरिजन तेरे से नहीं कर रहा, मैं कैरी मिनाती का कंपैरिजन तेरे से कर रहा हूं। देख उसके बारे में साले क्या है, वो 20 साल का लौंडे, ऑन फॉर्च्यूनर, ऑन हाउस है क्या तू साले, टॉम क्रूज से मिलके आ रखा है वो साले। जिस दिन क्या बोलूं मैं, 250 का ट्राइपॉड हाँ, और साले MI का फोन लेकर, मतलब क्या सोच रहा तू, अपनी बराबरी कैरी मिलाती से कर रहा है। तेरे लिए तो ना मेरा किराएदार का लड़का डिफॉल्टर ही काफी है, बोलेगा एक बार डिफॉल्टर को बुला के ला। आया बेटा डिफॉल्टर। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, थोड़ी सी आगे आ जाओ, बताओ अपने बारे में, बताओ कुछ। मेरा नाम डिफॉल्टर, तेरी बहन चोदूंगी टिकटॉक वाले, तेरी बहन की चूत साली, और तेरी मना चोदूंगी, समझ गई साले। डिफॉल्टर वाले से परना मत लियो साले, नंगा हो जाएगा वरना भागते जाएगी पूरे दुनिया, बम लगा दूंगी बम। कहाँ पे? टीवी में सबके। ये भी ट्रेनिंग पीरियड में है भाई, तो बुरा मत मान लो इसकी बात होगा। साले ट्रेनिंग पीरियड में था ये, इसका बड़ा भाई आया था ना घर, साले कान में से खून छोड़ वहां से भी खून बाहर आ रहा था। बड़े हो जाए मेरे बच्चे, गालियों का ना गोडाउन भंडार। बाकी इतना ही बोलना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि इससे ज्यादा क्या वैल्यू देनी इस चूतिए को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो मैं कोई रोस्टर नहीं हूं, तो मैंने रोस्ट नहीं करा, मैंने अपने ही एक कुछ, आपने मेरे को बोला कि हाँ भाई रोस्ट कर, इतने सारे कमेंट्स आए, तो मैंने कुछ करने की कोशिश करी है छोटा मोटा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद आएगी, देखो मैंने भी इतना करा, इतना करूंगा फिर इतना करता रहूंगा, तो आप मेरे को बता देना हफ्ते में या फिर 10-15 दिन में एक वीडियो मैं ऐसी टुल्ली मुल्ली आपके लिए छोड़ सकता हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को फैला दो, और ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैं डालूंगा, तो मेरे को जल्दी जल्दी आके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो जाकर टैग करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे आके सजेशन दो कि क्या चाहते हो और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बाकी तो लव यू है, और वीडियोस आती रहेंगी।